गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, चल नहीं रही, दौड़ रही होगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सेल टॉपिक डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट सेल की सेल वॉल, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म डिस्कस किया था। अब भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और हम सेल में जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, ये जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री होती है उससे कुछ ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, अराइज होते हैं, तो उसी को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये देखने से आपको लग रहा होगा ना कि ये सरफेस जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा जो स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये थोड़ा रफ दिख रहा है, ये वाला थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिस्टर्नी है। और सिस्टर्नी पे जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट टाइप का ग्रेन्यूल्स, ये है राइबोसोम। तो जिससे जिसका सरफेस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस थोड़ा रफ है इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ पे जाहिर सी बात है कि राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है इसलिए वो स्मूथ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज ऑब्जर्व विद लाइट माइक्रोस्कोप बाय गार्नियर। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया था? गार्नियर ने इन 1897, हु क्वाइन द टर्म इरास्टोप्लाज्म। तो ऑब्जर्व तो गार्नियर ने किया था, बट जो इसको डिस्कवर कर किया था, जिसने जिसका क्रेडिट डिस्कवर करने का जिनको क्रेडिट जाता है वो है प्रोटर थॉमसन डिस्कवर्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1945। तो 1945 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था प्रोटर और थॉमसन ने। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ डबल मेम्ब्रेन एंड हैड इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी दैट रन थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड हैड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके टाइप्स कितने होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और ग्रेनुलर। रफ को ही ग्रेनुलर बोलते हैं। तो रफ और ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्यों होता है रफ? क्योंकि इस पे 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम क्यों? क्योंकि जो सेल है और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो 80S है उसमें दो सब यूनिट है। लार्जेस्ट सब यूनिट है, जो लार्जेस्ट है वो 60S है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है वो 40S है। और ये क्या होती है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं अनब्रांच होता है, और इस ये 400 से 500 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेड ऑफ सिस्टर्नी, पहले बता चुके हैं। और ये इसका मेन रोल क्या होता है? अब इस पे राइबोसोम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो इसका मेन वर्क क्या होगा? इसका मेन वर्क होगा प्रोटीन सिंथेसिस का। तो हम क्या हमने मैंने क्या आपको बताया कि टाइप कितने होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? दो, जिसमें हमने डिस्कस किया रफ रफ और ग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या होता है कि ये सिस्टर्नी का बना होता है और इस पे 80S राइबोसोम होता है। और जिसका वर्क क्या है? वर्क है इसका क्या? प्रोटीन सिंथेसिस करने का। देखिए इस डायग्राम को, देखिए ये क्या है, जो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या? सिस्टर्नी है। और ये जो स्पेस है इसके बीच में, जो ये स्पेस है वो क्या? सिस्टर्नल स्पेस है। इस पे ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये क्या है? राइबोसोम है।
ये पर्पल कलर की क्या है, ये राइबोसोम है। और देखिए ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। और इस ट्यूब्यूल का अगर ध्यान से देखें तो इस पर कोई पर्पल कलर का ग्रेन्यूल नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, राइबोसोम नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब कि सिस्टर्नी जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और जो ट्यूब्यूल है वो क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है, ट्यूब्यूल का बना होता है। और ये क्या होते हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं और इस पे राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। फ्री ऑफ राइबोसोम एंड इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस। ये राइबोसोम से फ्री होते हैं तो ये किस चीज़ का सिंथेसिस करते हैं, ये करते हैं लिपिड एंड स्टेरॉल का सिंथेसिस, ठीक है। एलॉन्ग विथ सिस्टर्नी वेसाइकल्स, अभी जैसे जो प्रोटीन बना है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उससे कुछ वेसाइकल सिस्टर्नी से निकलती हैं और जिसमें प्रोटीन होता है, इसी को प्राइमरी वेसाइकल बोलते हैं। और ये जाके आगे मैं भी बताऊंगी आपको कि ये कैसे गॉल्जी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज होते हैं। तो मेन अगर हम वर्क देखें, रोल क्या क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल को, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स लिपिड्स, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अदर। ये मैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वर्क हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, ठीक है। अब जो वेसाइकिल फॉर्म हुई, ये क्या होती है, ओवल होती है और मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो जाके फ्यूज करता है, किससे फ्यूज करता है, सिस फेज और कॉन्वेक्स फेज ऑफ गॉल्जी बॉडी। तो अभी मैं गॉल्जी बॉडी में आपको डिस्कस करूँगी कैसे वेसाइकिल जाके फ्यूज करता है। इससे पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखिए जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कैन बी इंटरचेंजेबल, ठीक है। ये रफ से स्मूथ में भी चेंज हो सकता है, स्मूथ से रफ में भी चेंज हो सकता है। और जो एरिया है, ये जो एरिया है जहाँ से जो इंडो द पोर्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, उस एरिया को क्या, ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। और क्या होता है कि टू से थर्ड पार्ट, मतलब अगर कंपेरिजन करें कि तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RER, इसका अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये थोड़ा स्टेबल भी इससे ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका डायग्राम है, ये गॉल्जी अपरेटस है। अभी जो मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकिल आई, जो जिसमें प्रोटीन था, जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, जो प्रोटीन था वो किससे आके फ्यूज होता है, वो इसी जो ये सिस फेज है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का, इससे ही आके फ्यूज होता है। एक्चुअली गॉल्जी ऑपरेटस जो है इसके दो फेज हैं, एक है सिस और एक है ट्रांस। तो ये जो दिख रहा है ये सिस है, इसको फॉर्मिंग स्टेज, और ये क्या होता है, ये मैच्योर, ठीक है। अभी हम इसको समझते, तो गॉल्जी ऑपरेटस जो है इसको गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, गॉल्जी ऑपरेटस, गॉल्जी सोम, डिफरेंट नेम फॉर गॉल्जी बॉडी। इसको जो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गॉल्जी फ्रॉम पुरकंजे सेल, ठीक है, और इन 1898 में इसको डिस्कवर किया गया था। और नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे।
और ये जो बनी होती है मेड ऑफ सेवरल स्टैक ऑफ पैरेलल प्लेटेड सैक और सिस्टर्नी मेनी पेरिफेरल ट्यूब एंड वेसाइकिल। ठीक है, तो इसमें भी सिस्टर्नी भी होता है, ट्यूब्यूल होता है और ये वेसाइकिल फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि गॉल्जी बॉडी जो है ये द गॉल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होता है। जैसे कि मेल गैमेट्स ऑफ फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, टेड्रोफाइट्स है, मेच्योर स्यूट ट्यूब्यूल है और मेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं ऑफ मैमल्स, इसमें नहीं होता है। ठीक है, गॉल्जी बॉडी, देखिए जो गॉल्जी बॉडी है वो जो स्मूथ सरफेस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसी से निकलती है। ठीक है, उसी से अराइज होती है। और होता क्या, तो जो अभी वेसाइकिल बन रहा था प्राइमरी वेसाइकिल, ये जो सिस फेस है इसमें होता क्या है कि जो गॉल्जी है, गॉल्जी है इसमें देखिए ये जो है ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ये सिस्टर्नी है और ये इसकी फंक्शनल यूनिट है, ये इसकी गॉल्जी की ये फंक्शनल यूनिट है। और ये जो गॉल्जी वेसाइकल्स जो इसमें वेसाइकल्स बन रही हैं, जो इसका सिस फेस है इसी को प्रॉक्सिमल फेस भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स, देखिए ये जो स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स कितनी बन रहा, तो इसी को कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। और ये जो ट्रांस फेस है ये मेच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। और ये देखिए इसको कॉनकेव फेस भी बोलते हैं। इस ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है। तो जो सिस फेस है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल फेस बोल सकते हैं और कॉन्वेक्स बोलते हैं। और जो ट्रांस है इसको क्या, इसको डिस्टल फेस या कॉनकेव फेस या फिर मेच्योरिंग फेस फेस। और जो सिस फेस है ये किसके किसकी तरफ रहेगा, न्यूक्लियस या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ट्रांस फेस किसकी तरफ रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। और सिस्टर्नी से ही जो ये वेसाइकिल बनती हैं, ये वेसाइकिल फॉर्म होती हैं, जो जाके जो एक्चुअली वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, गॉल्जी जो गॉल्जी बॉडी है उसका फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडी सिक्रीशन, इसका जो है होता क्या है कि जो गॉल्जी गॉल्जी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स विच आर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स। और ये लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन करता है और ये मॉडिफिकेशन करता है जो प्रोटीन आया है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होके आया है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसका क्या करता है, उसी को मॉडिफिकेशन करता है। प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। होता क्या है, एक्चुअली मेन वर्क है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें मॉडिफाई करेगा और जो भी ज़रूरत होगी प्रोटीन को, क्योंकि यही जो होता है गॉल्जी बॉडी यही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस ऑर्गेनेल्स के पास कौन सी प्रोटीन जानी है, तो ये प्रोटीन को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या करता है, बहुत सारे वर्क हैं। ये करता है कि क्या है, ये तो हो ही चुका कि हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमी सेलुलोज, पैक्टीन और एक्रोसोम, एक्रोसोम का भी ये फॉर्मेशन करता है, ये एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि गॉल्जी का उसका क्या है, फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारे का, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, लाइजोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो वो प्राइमरी जो वेसाइकिल था, जो प्राइमरी वेसाइकिल था वो आगे कहाँ फ्यूज हुआ, सिस फेस से। और फिर यहीं पे सिस्टर्नी के पास बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्नी इसके पास बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यही पे क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉप लाइक सैक प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी ऑफ सिस्टर्नी।
यही फॉर्म बाय द बडिंग इन द सिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, सिस्टर्नल ट्यूब्यूल्स, इसी से किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, वेसाइकिल का। वेसाइकिल का देखिए सिस्टर्नी से निकले हुए ना, तो सिस्टर्नी से किसका फॉर्म होता है, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकिल्स, ठीक है। और यही जो वेसाइकिल्स हैं ये एक साथ बहुत सारे वेसाइकिल्स इकट्ठा हो जाते हैं और किसका फॉर्म करते हैं, वेक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वेरियस वेसाइकिल्स कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज लार्ज वेक्यूल। तो हुआ क्या कि ये प्राइमरी वेसाइकिल आया, फ्यूज किया सिस फेस से और फिर इसी सिस्टर्नी से बर्ड निकले, और जब प्रोटीन मॉडिफाई हो गई, जो 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 इसमें प्रोसेस होने थे वो हो गए, तो फिर जब वो मेच्योर हो गई तो निकला यहाँ पे क्या, सेकेंडरी वेसाइकिल सिस्टर्नी से। और वही सारे वेसाइकिल क्या हो गए, बहुत सारे वेसाइकिल फ्यूज हो गए और क्या बन गया, वेक्यूल बन गया। हुआ क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वो वेसाइकिल कहाँ पहुँचा, गॉल्जी बॉडी के पास, फिर वो किस में, वो जो न्यूली फॉर्म ये वेसाइकिल है जो सेकेंडरी जो ट्रांसफेज से निकले, उनको क्या बोलेंगे, उनको प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए गॉल्जी बॉडी की, जैसे कि इसका इसका जो फंक्शन है कि ये करता क्या है कि गॉल्जी बॉडी हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम प्रेजेंट इन ऑन ईआर, उसको क्या करती है, उसी को ट्रांसफ़र करती है जहाँ जहाँ जिसको भी जरूरत, जिस भी ऑर्गेनल्स को ज़रूरत होती है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गॉल्जी बॉडी सिंथेसाइज हेमिसेलुलोज पेक्टिन विच इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और हम नेक्स्ट जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।